ज्यों ज्यों रात्रि घट रही है, चंद्रमा का रूप भी घटने लगा है, किंतु तुम्हारे मुख की शोभा है कि बढ़ती ही जा रही है। जानते हो स्वामी, जिस प्रकार की बातें तुम करते हो वैसी बातें हमारी जाति में कोई नहीं करता। कौन सी जाति के हो तुम? मैं धनुपुत्र हूं, दानव हूं। तुमसे मिलने से पूर्व मुझे केवल एक ही भाषा आती थी, खड़क की भाषा, हिंसा की भाषा। अच्छा, तनिक मुझे भी तो बताओ, कितने हिंसक हो तुम? मैंने और मेरे स्वर्गीय भ्राता करंभ ने रक्तपात के अतिरिक्त और किया ही क्या है। मानव आखेट तो हमारा सबसे प्रिय खेल था। मानव आखेट के पश्चात हम दोनों भ्राताओं को बड़ा ही आनंद आता था, किंतु तुमने तो मेरा ही आखेट कर लिया। और भी कुछ कहो ना। जानती हो मोहिनी, संतान प्राप्ति की कामना से मैं तप करने निकला था, और तुम मेरी तपस्या का उत्तर हो। मुझे ऐसी संतान दो जिसे विश्व में कोई भी जीत ना सके। अवश्य स्वामी, मैं तुम्हारे पुत्र की माता कहलाकर धन्य हो जाऊंगी। मोहिनी, मोहिनी का हाथ मांगा था। तुम्हें अपनी कन्या का हाथ देकर महेश जाति को कोई ऐसा राजा नहीं देना चाहता जिसे ये भी पता ना हो कि उसकी होने वाली पत्नी कहाँ है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ नवयुवकों और नवयुवतियों को हर प्रकार की स्वतंत्रता है, किंतु हमारा ये नियम ना भूलो कि हमारे यहाँ की कोई भी कन्या यदि किसी दूसरी जाति के पुरुष के साथ अपना संबंध रखती है तो हमारे दंड विधान के अनुसार वो दोनों अपराधी है और उन दोनों का वध कर दिया जाता है। हे राजा, तुम सोचते सोचते विचारों में बहुत आगे बढ़ गए। मुझे विश्वास है मोहिनी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। मद में चूर वो कहीं दूर निकल गई है। रक्षक दल उसे ढूंढने गए हैं और अब मैं स्वयं जा रहा हूँ। जीवा, स्मरण रहे कि उसे लिए बिना वापस ना लौटना। नहीं राजा, विश्वास रखो, मेरा नाम जीवा है। महेश राज्य में लोग मुझे काल का दूसरा रूप मानते हैं। हे राजा, क्या हुआ? मोहिनी कहीं नहीं मिली, किंतु किंतु क्या? चुप रहोगे तो जीभ काट ली जाएगी। किंतु हे राजा, महेश मंदिर में दोनों हार नहीं है। और वहां जो मोतियों का हार मिला है वो अपने समुदाय में कोई नहीं पहनता। तुम जिस ओर संकेत दे रहे हो वो सत्य नहीं है। महेश जाति की कोई भी ऐसी कन्या नहीं जो जीवा के मुख पर तमाचा मार कर किसी दूसरे के साथ चली जाए। जीवा, यदि ऐसा ही कुछ हुआ है तुम दोनों के कटे हुए मस्तक लिए बिना यहां मत आना। ऐसा ही होगा राजा, ऐसा ही होगा। शक्ति परमेश्वरी, आपने ये कैसा खेल रच दिया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोहिनी और महादानव रंभ का मिलन कोई अनर्थकारी परिणाम लेके आएगा। हाँ देवी महालक्ष्मी,
हृदय में देवताओं के लिए इतनी घृणा है कि उसका प्रभाव उसकी आने वाली संतान पर पड़ेगा ही। और हे आदिशक्ति परमेश्वरी, अग्निदेव तो रंभ को स्वयं से भी अधिक तेजस्वी संतान का वरदान दे चुके हैं। जिस जीव का जन्म ही घृणा से हो, वो तो मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। हाँ देवी महालक्ष्मी, ऐसा होना ही है। आप तैयार हो जाइए, सृष्टि को बहुत शीघ्र आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अति शीघ्र मोहिनी अपनी संतान को जन्म देने वाली है, जो असुरों के इतिहास में अति भयानक होगी। जैसी देवी परमेश्वरी की इच्छा। मोहिनी, मोहिनी, मैंने निर्णय ले लिया है। कैसा निर्णय स्वामी? मोहिनी, अब हम यहां नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें यक्ष लोक ले जाऊंगा। यक्ष मेरे आराध्य हैं, वहीं हमारी ये संतान जन्म लेगी। तुम जानती हो, वहां महिष सभ्यता और असुर सभ्यता का मिला जुला संगम, महिषासुर आएगा। हाँ स्वामी, मैं भी अपनी प्रेम बेल पर लगने वाली इस पहली कली के दर्शन करना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो पाएगा? मैं देखता हूँ मोहिनी, तुम अकारण ही भयभीत हो उठती हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा पति धनु पुत्र रंभ है, और मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो तू है वो जिसने मृगराज के मुख में हाथ डालने का साहस किया है। कौन है तू? मैं वो हूँ जिसके हाथ में मोहिनी अपना हाथ देने वाली थी। मैं वो हूँ जिसके विश्वास की पीठ में मोहिनी ने छुरा भोंक दिया। वो भली भांति इस सत्य को जानती है कि ऐसा करना उसके अधिकार में नहीं, फिर भी उसने ऐसा विश्वासघात करके अपने लिए भयानक मृत्यु का वरण कर लिया है। बंद कर अपना ये प्रलाप। तू मेरे समक्ष मेरी प्रियतमा, मेरी पत्नी को धमका रहा है। इस पूरे संसार में अभी तक किसी माता ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जो रंभ के समक्ष ऐसा दुस्साहस कर सके। इस बात का अभी पता चल जाएगा जब मैं तुम दोनों के सिर काट कर यहां से ले जाऊंगा। सावधान! नहीं, नहीं जीवा, नहीं। सावधान! Yeah!
तब तक पकड़े रखूंगा जब तक तू किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाती। इसने मेरा वध छल से किया है। भाग जा, तुझे मेरी संतान को जन्म देना है मोहिनी। नहीं स्वामी, मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकती। मोहिनी, तुझे मेरी सौगंध, तू चली जाए यहाँ से। नहीं, नहीं स्वामी। यदि तू नहीं गई, तो ये दुष्ट तेरा भी वध कर देगा, और इसी के साथ हमारी संतान जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। मैंने पूछा, तुझे मेरी सौगंध। Oh!
देवी, तुम कौन हो? मेरी रक्षा कीजिए, मेरी संतान की रक्षा कीजिए, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? देवी, तुम यक्षों के बीच में हो। यक्ष? फिर तो आप मेरे पति को भी जानते होंगे, वो मुझे यही लाना चाहते थे। कौन है तुम्हारे पति? तनुपुत्र रंभ। तनुपुत्र रंभ? वो तो हमारे उपासकों में से है। हे देवी, आप चिंता मत कीजिए। Thank you.